गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से, और चैप्टर का जो नाम रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रतिरूप। सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि जो फसल प्रतिरूप होता है क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं बोई जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो वीट यानी कि गेहूं, चावल, कॉटन, कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें टी है, कॉफ़ी है, जूट है, इसी प्रकार से कुछ कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन इसके अंदर आती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो इंडिया के अंदर बोई जाती है और काटी जाती है। इन अलग अलग प्रकार की फसलों का जो पैटर्न्स है, ठीक है, टोटल एरिया की यदि हम बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स ग्रो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स बोलते हैं। यानी कि द क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स कि अलग अलग क्रॉप्स के अंदर कितना जो एरिया है हमारा उसका कितना प्रपोर्शनेट जो एरिया आता है, मान ले राइस के अंदर कितना आता है, कॉटन के अंदर कितना आता है, वीट के अंदर कितना आता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग यानी कि फसल प्रतिरूप क्या है कि अलग अलग प्रकार की फसलों के अंदर जो है कितना प्रतिशत जो एरिया आता है दूसरे फसलों के मुकाबले में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न्स रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स दैट इज ग्रोन इन इंडिया। भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, काटी जाती है, उसमें कितना कितना एरिया किस किस फसल को दिया जाता है, इस प्रकार को हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत के अंदर जो क्रॉपिंग सीजन, फसल जो है, फसल की जो ऋतु यदि हम बात करें, सीजन की बात करें, तो उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। पहली जो हमारी इसके अंदर आती है खरीफ, खरीफ की फसल जिसको हम बोलते हैं खरीफ सीजन, इसके बाद में रबी सीजन, और इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट पीरियड आता है जिसको जायद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जायद। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें इन पैटर्न्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स आते हैं जिसमें रवि, खरीफ और जायद। अब यदि हम रवि की बात करें कि रवि के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, तो ये हमें ध्यान रखना होना चाहिए कि रवि की जो फसल होती है वो ज्यादातर जो गर्मियों में बोई जाती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मई जून से लेकर या सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है, या मोस्टली जून से लेकर सितंबर तक की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है वो किस क्रॉप्स के लिए आता है, खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। यानी कि इसके अंदर उन फसलों को बोया जाता है जिसमें अधिक तापमान और अधिक रेनफॉल की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो रबी की फसल जैसे कि मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें अगर राइस, जो चावल है वो हमारी रबी की क्रॉप्स है। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि चावल के साथ साथ और कौन कौन सी फसलें बोई जाती है जो रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। इसमें हमारी बहुत सारी फसलें आती है, सॉरी खरीफ के अंदर चावल है, ठीक है, कपास है, जूट है, ज्वार है, ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो हमारी खरीफ के अंदर आती है जिनको गर्मियों के अंदर मई जून के अंदर बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के अंदर इनको काट लिया जाता है। चावल के साथ साथ में कॉटन यानी कि जो कपास है, ठीक है, ज्वार है, ये सारी की सारी क्रॉप्स है, और बीच में बहुत सारी अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, तिल है, मूंगफली है, ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो हमारी खरीफ फसल के अंदर आती है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसके अंदर रबी, रबी जो क्रॉप्स है ये खरीफ क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग होने के बाद इसका सीजन शुरू होता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक ज्यादातर जो खरीफ की फसलें कट कर ली जाती है। उसके बाद में अक्टूबर से यदि इनकी बात करें तो अक्टूबर से इनकी शुरुआत होती है शरद ऋतु जिसको हम बोलते हैं, ऑटम जिसको बोलते हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, तो ये जो 6 महीने होते हैं
इसके अंदर जो इसकी क्रॉप्स ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में शुरू होकर मार्च अप्रैल के अंदर इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हार्वेस्टिंग और रिफाइनिंग और सोइंग का जो टाइम पीरियड है वो है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल। अब इसके अंदर बात करते हैं तो हम आते हैं मुख्य इसकी जो फसल है वो है गेहूं, वीट। ठीक है, जो अभी इस टाइम इस सीजन के अंदर जो जो फसलें खड़ी है आप लोगों ने देखा होगा वो सारी की सारी कौन कौन सी है, रबी की है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, हमारी वीट इसके अंदर आता है जिसको हम गेहूं बोलते हैं, मस्टर्ड यानी के सरसों, ग्राम यानी के चना, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो सारी की सारी हमारी इसके अंदर आती है, रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। इसके साथ साथ में चना है, तोरिया, सरसों और अलसी, मसूर, ये सारी फसलें हमारी रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। अभी हम जैसे बात करते हैं कि रबी क्रॉप्स के लिए या सर्दियों के अंदर जो रेनफॉल होती है थोड़ी बहुत, हम कहते हैं ना ये जो वर्षा होती है ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। रबी क्रॉप्स में ज़्यादातर गेहूं के लिए, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर गेहूं की फसलें अच्छी होती है, जब सर्दियों के अंदर रेनफॉल हो जाती है तो ये फसल अच्छी ग्रो करती है। उसके बाद में एक टाइम पीरियड आता है, ठीक है, यानी कि ये मार्च और अप्रैल के बाद से लेकर अप्रैल, मई और जून, ये जो तीन महीने का जो शॉर्ट टाइम पीरियड है इसके अंदर भी कुछ कुछ एरिया के अंदर भारत के अंदर कुछ फसलें उगाई जाती है जिसमें ज्यादातर यदि हम बात करें वेजिटेबल्स होती है तो ये इसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है, जो मार्च अप्रैल से लेकर मई या जून तक लास्ट चलता है, तीन या चार महीने का ये सीजन। इसमें क्या होता है ज्यादातर आपके जो गर्मियों के अंदर जो आप जैसे कि तरकारी है, ककड़ी है, ये खाते हैं ना आप लोग, तो ये जायद की फसल इसके अंदर आती है। कहीं कहीं पर मक्का भी इसमें ले जाता है, कहीं कहीं पर इंडिया के अंदर जो है मतलब खरीफ की फसल जैसे कि हम जिसको बोलते हैं राइस, ये भी बोई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी शायद कि वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर तीन तीन जो है राइस की क्रॉप्स ली जाती है, हालांकि वो सारी खरीफ की जो क्रॉप्स लेते हैं जिसमें अमन, ओस और बोरो, ये तीन चावल की फसलें हैं जो साल में तीन बार ली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जायद के अंदर हम वो आती है, वो फसलें आती हैं जो कम समय के अंदर जो जल्दी तैयार हो जाती है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो इसके अंदर बात करें तो ज्यादातर क्या है, सब्जियां है या चारा, फोडर क्रॉप्स इसके अंदर आती है। ठीक है, जो ज्वार है एक फोडर क्रॉप्स है, मक्का भी एक फोडर क्रॉप्स है। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ साथ में ककड़ी है, तरकारी है, सब्जियां है, कुछ फ्रूट्स भी इसके अंदर आते हैं, वाटरमेलन जिसकी हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, जायद के अंदर। तो ये देते हैं भारत के अंदर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, क्योंकि भारत की जो क्लाइमेट और रिलीफ स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर अलग अलग एक ही टाइम पीरियड के अंदर भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग जहाँ पर टेम्परेचर होगा वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स है वो ग्रो होती है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। ठीक है, तो कृषि के प्रकार की यदि बात करें तो पहला है इरिगेटेड यानी के सिंचाई पर आधारित, पहली कौन सी है, सिंचाई के ऊपर आधारित सिंचाई। ठीक है, और दूसरी जो है रेनफील्ड यानी के जो वर्षा के ऊपर आधारित होती है, कौन सी है, रेनफील्ड। सिर्फ इनके अंदर सिंचाई हम कर नहीं सकते, इरिगेशन कर नहीं सकते, और इसलिए ये ज्यादातर डिपेंड करती है रेनफील्ड के ऊपर। ठीक है, वर्षा के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें इसकी तो इरिगेटेड है, जैसे कि कल हमने चैप्टर डिस्कस किया था इरिगेशन का, अलग अलग टाइप्स के जो है इरिगेशन होती है और भारत के अंदर कहीं ट्यूबवेल से, कहीं कैनाल से, कहीं टैंक से जो इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो यहाँ देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो टाइप है यानी कि जो हमारा फार्मिंग है वो भी क्या है, इरिगेटेड है। इरिगेशन जो है वो दो तरीके से की जाती है। अभी यदि हम इरिगेशन की बात करें फसलों के अंदर, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन क्या होता है कि फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी प्रोवाइड करवाना फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर, ताकि हम उनकी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो इस प्रकार से जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्रोटेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, जिसकी प्रोटेक्ट करते हैं हम फसल को। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ फसल को उतनी ही इरिगेशन करते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है या जितनी वो क्या है मतलब खराब होने से बच जाए। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फसलें बगैर पानी के
खराब हो जाती है, तो हम मतलब आर्टिफिशियल चाहे वो वेल से है, ट्यूबवेल से है, कैसे भी है, उसको हम क्या है उतनी फसल उतनी इरिगेशन देते हैं ताकि वो फसल खराब होने से बच सके और कुछ प्रोडक्शन हो सके। तो इस प्रकार की जो होती है वो हमारी होती है प्रोटेक्टिव, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर जो हमारा जो ड्राई फार्मिंग होती है या उसके अंदर बात करें कि जो हमारे डेजर्ट्स के अंदर होते हैं, वहां पर प्रोटेक्टिव टाइप की जो एग्रीकल्चर जो इसमें इरिगेशन की जाती है। दूसरी हमारी इसके अंदर आती है क्योंकि वहां पर इस प्रकार की जो प्रोटेक्टिव है, संरक्षित जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादातर उन एरिया के अंदर दी जाती है जहां पर रेनफॉल कम होती है, ठीक है। दूसरी हमारी है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए या ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें ज्यादा एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या है उसको सिंचाई देना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है। प्रोडक्टिव, इसका नाम इसे प्रोडक्टिव से मतलब है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बाय मोर इरिगेशन। तो ऐसे एरिया जहां पर जो है प्रोडक्शन को हमें ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, और इस प्रकार की फसलें जहां जिन फसलों के अंदर जो पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बात करते हैं राइस, राइस जो है राइस का प्रोडक्शन लेने के लिए हमें उसको मतलब ज्यादा पानी देना ही पड़ेगा, तो इस प्रकार से उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं, जिसको हम प्रोडक्टिव इरिगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्पादक जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद में जो रेन फीड है यानी कि वर्षा के ऊपर आधारित है, वो हमारी दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है ड्राई लैंड और एक होती है वेट लैंड। जो ड्राई लैंड जो फार्मिंग होती है यानी कि ड्राई फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं कि उन भारत के अंदर मतलब उन एरिया के अंदर की जाती है जहां पर रेनफॉल जो है लेस और इक्वल टू 75 सेंटीमीटर पर ईयर। ड्राई फार्मिंग कहाँ होगी या ड्राई लैंड कहाँ होगा, ड्राई फार्मिंग की रेन फीड की बात करें तो यहाँ पर ड्राई लैंड की वजह से ड्राई फार्मिंग आएगा, ठीक है, ड्राई फार्मिंग। तो इसमें क्या होगा कि ये उन एरिया के अंदर की जाती है जहां पर जो वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है या उसके बराबर होती है, ठीक है, तभी तो वहां पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। इसमें वो फसलें बोई जाती है जिसमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बाजरा, ज्वार, ठीक है, और ये गम यानी कि ग्वार, इस प्रकार की जो फसलें हैं इनमें कोर्स ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, मोटे अनाज की जो खेती जिसको हम बोलते हैं, वहां पर इन फसलों के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ज्यादातर जो ड्राई फार्मिंग उन एरिया के अंदर की जाती है जहां पर रेनफॉल की मात्रा कम होती है या यूं कहें कि 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार की फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। वेट लैंड फार्मिंग या वेट फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन सच एरिया वेयर द वाटर इज एक्सेस इन क्वांटिटी, जहां पर पानी की जो जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। मोस्टली इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वहां पर उन फसलों को प्रीफर किया जाता है या उन फसलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेट लैंड फार्मिंग, ठीक है, दे नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस प्रकार की फसलों में मुख्य रूप से हमारी कौन सी आती है, राइस। यदि हम कोस्टल एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें, तो वहां पर कैनाल्स वगैरह तो है नहीं, रिवर है, लेकिन ज्यादातर जो फसल ली जाती है वो रेन फीड होती है, वर्षा के ऊपर आधारित होती है क्योंकि वहां पर रेनफॉल की मात्रा ज्यादा होती है। यदि हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, वेस्टर्न घाट के आसपास के एरिया की बात करें, ठीक, वहां पर भी जो हैवी रेनफॉल होती है तो वहां पर राइस जो है मेन क्रॉप्स है और रेन फीड के ऊपर ये आधारित है। तो जहां पर जो माउंटेनियस एरिया है या प्लेटू एरिया है वहां पर ज्यादातर जो क्रॉप्स है वो रेन फीड के ऊपर आधारित है, और जो प्लेन एरिया है वहां पर ये हम क्या इरिगेशन के द्वारा उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए वेटलैंड फार्मिंग में उन फसलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि राइस यानी के चावल। और यदि हम इसमें बात करें तो
फिर हमारा आता है इसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप्स। अभी तक हमने ये पढ़ा है सिर्फ सीजन क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। अब मेन आता है हमारा क्रॉप्स के बारे में, फसलों के बारे में, फसल, ठीक है, फसलें। अब फसलें भारत के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स ग्रोन होती है उसको ब्रॉडली मुख्य रूप से हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो खाने योग्य, ठीक है, इटेबल फूड ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य फसलें। खाद्य मतलब इस प्रकार की फसलें हैं जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, मूंग, चना, ठीक है, ये हम खा सकते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं खाद्य फसलें। दूसरी हमारी होती है अखाद्य, जिसको हम खा नहीं सकते, नॉन ईटेबल, बट हम उनको सेल करके इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कॉटन, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कॉटन है, कॉटन को खा नहीं सकते ना, लेकिन उसको सेल करके हम क्या इनकम ले सकते हैं, ठीक है, या उससे जो कपड़े बना सकते हैं, कपड़ों को सेल करके इनकम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें आती है। उसमें सबसे पहले हम बात करें खाद्य फसलों के अंदर, फिर आगे दो आती है खाद्य में बात करें तो एक में आता है हमारा अनाज, ठीक है, और एक में आती है दालें, पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन और पल्सेस ग्रेन। अब अनाज की बात करें तो अनाज क्या होता है, चावल और गेहूं क्या है, अनाज है, ठीक है, जिसको हम क्या है रोटी के रूप में या कैसे भी उसको दूसरी जो क्रॉप्स होते हैं उसके साथ में या वेजिटेबल के साथ में उसको खा सकते हैं, ये सबको पता है हमें अनाज क्या होता है। उसके बाद होते हैं दालें, पल्सेस। दाल क्या होती है, क्या होती है दालें, कोई एक ऐसा फूड ग्रेन जिसके दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे चना है इसके दो पार्ट हो सकते हैं, मूंग के हो सकते हैं। आपने गेहूं और राइस की दाल सुनी है कभी, ठीक है, इक्वली जिसके दो पार्ट हो सकते हैं ना वो दालें होती है। तो मूंग की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, चने की दाल होगी, ये सारे के सारे आते हैं दालें के अंदर जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें अखाद्य फसलें जिसको हम खा नहीं सकते, ठीक है, नॉन ईटेबल है। इसके अंदर हमारी अलग अलग प्रकार की फसलें आती है इसमें, इसमें खाद्य में। फिर आगे हम फर्दर बात करें इसके अंदर जो हमारी जो खाद्य फसलें हैं, तो पहले इसके अंदर आती है अनाज और हमारी दालें आती है, उसके बाद में फिर हमारी आती है कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण कृषि जिसको हम बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम प्लांट कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके अंदर किस प्रकार की फसलें आती है, इसके अंदर आती है हमारी ज्यादातर जो टी होगी, ठीक है, चाय जो होती है ना, चाय को हम पीते हैं, यूज करते हैं उसको, बेवरेज जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ में हमारे कोफा जो कॉफी होगी, कहवा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कई बार जो हमारा जो शुगर केन है उसको भी प्लांटेड के अंदर लिया जाता है। राइस तो ट्रांसप्लांट किया जाता है लेकिन उसको प्लांटेशन क्रॉप में नहीं लिया जाता है। तो ज्यादातर इसके अंदर जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स है उसमें टी एंड कॉफी, चाय और कहवा, और इसके साथ साथ में दूसरी अदर जो हमारे जो स्पाइसीज है, गरम मसाले हैं, गरम मसालों में क्लोव की बात करें हम, कार्डमम्स की बात करें, और ठीक है जैसे कि लौंग है, इलायची है, ये सारी की सारी मसाले हमारी इसके अंदर आती है जिनका हम किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं, चाहे वो हम उसको डायरेक्ट खाते हैं, चाहे हम उसको एज ए बेवरेज के रूप में पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी आती है कुछ इसमें प्लांटेशन में, और यदि हम बात करें तो क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये भी हमारे लिए ईटेबल है जिसको हम खाते हैं, फसलें जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां हम लेके आते हैं मार्केट से उनको खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ये आते हैं हमारे सारी की सारी फूड ग्रेन्स के अंदर या ईटेबल्स के अंदर खाद्य है जो फसलें हैं। अब अखाद्य की बात करें तो उसके अंदर हमारी आती है कुछ फसलें ऐसी आती है अखाद्य जिसके अंदर हम उनका या तो ऑयल के रूप में यूज करते हैं, या उसको फाइबर के रूप में यूज करते हैं, या उसको हम कैश क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। फाइबर की बात करें तो ज्यादातर हम इसका हमारा जैसे कि जूट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, ये फाइबर में ही है,
इनके छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिससे कपड़े बना सकते हैं, या इसे हमारी जो टाट बोरे ठीक है जिसमें हम गेहूँ या जो डालते हैं, इन चीज़ों का जो यूज किया जाता है वो हमारी फाइबर क्रॉप से ली जाती है, जिसमें कपास है, जूट है ठीक है, पटुआ, नारियल, नारियल की जो छाल है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है ठीक है। और प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आती है रबड़, इसके अंदर है जिसको हम खा नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद में ये सारी की सारी हमारी बातें क्लियर होने के बाद में हम बात करते हैं फैक्टर्स, ठीक है, ये किसी किसी बुक में नहीं है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये फैक्टर्स एक बार मैं यहाँ पर आपको लिख देते हैं, हम आने वाले क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे या साथ साथ में इसको हम डिस्कस अभी कर देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ठीक है। पहले हम बात करें इसके अंदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौगोलिक कारक, एक बार फैक्टर इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप यहां से इसको देख लीजिए एक बार फैक्टर्स। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, जितने भी फैक्टर है उनको हम पहले ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी के अंदर ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल जिसको हम बोलते हैं भौतिक कारक। इसका मतलब है कि हम कोई भी फसल इंडिया के अंदर बो रहे हैं, वहां पर जो हमारी भौतिक परिस्थितियां हैं, भौतिक जो कारक है, फिजिकल जो फैक्टर है, वो सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं। इस फिजिकल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से और सब फैक्टर आते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसा कि पहला आ रहा है, इसके अंदर आता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है हमारा टेम्परेचर तापमान और दूसरा आता है हमारा रेनफॉल। अब तापमान की बात करें तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस फसल के लिए कितने तापमान की रिक्वायरमेंट है ठीक है। अब सपोज राइस वहीं पर ग्रो हो सकता है जहां पर पूरे साल जो टेम्परेचर है मोर देन 26 या 27 डिग्री टेम्परेचर है और हैवी रेनफॉल हो ठीक है। अब ये दो कंडीशन है तो हम राइस ग्रो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब जहां तापमान रहता है माइनस में ठीक है, टेम्परेचर रहता है बिल्कुल माइनस में और रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर, क्या वहां पर राइस ग्रो करना पॉसिबल है? नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर यदि बात करें तो हर एक क्रॉप्स के लिए लागू होता है कि किस क्रॉप्स को कितना टेम्परेचर, कितनी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। यदि वो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम वहां पर वो फसल जो है क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर फिर हम बात करें तो सोयल, मिट्टी, क्योंकि जितनी भी फसलें हैं वो मिट्टी के अंदर ग्रो होती है और मिट्टी यदि फर्टाइल है, ह्यूम्स की मात्रा उसमें ज्यादा है, तो हम किसी भी प्रकार की क्रॉप्स जो उस क्रॉप्स के लिए सुटेबल है वो सोयल हम ग्रो कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो फर्टाइल सोयल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो हर प्रकार की फसल के लिए जरूरी है। यदि मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है, वो फर्टाइल नहीं है, या उसमें किसी एक या दो एलिमेंट्स की, मिनरल्स की कमी है, तो हमारी फसल उतना प्रोडक्शन नहीं दे सकती जितना कि हमारी जो आशा या रिक्वायरमेंट हमारी है उसके अकॉर्डिंग। तो सॉइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके बाद में इसमें आता है हमारा है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति जहां पर ज्यादा होगी उसके पत्ते और ये मिलकर क्या करते हैं, उसमें ह्यूम्स की मात्रा वो ऐड होती है ठीक है। ज्यादा उसमें ऐड होंगे, ज्यादा ह्यूम्स की मात्रा ऐड होगी, तो जितना ह्यूम्स जिस मिट्टी के अंदर मिलता है हमें
वो उतनी फर्टाइल मानी जाती है, जैसे गले सड़े पत्ते या जड़ रूट्स वगैरह मिलकर उस मिट्टी को और उपजाऊपन वो कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। उसके बाद में बात करें, थोड़ा रिलीफ की बात करें, नंबर रिलीफ की, यानी कि जिसको बोलते हैं धरातल। तो जो धरातल है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ। अब रिलीफ कैसा होगा? रिलीफ या तो प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन होगा, या वो प्लेटी होगा, माउंटेनियस होगा, ठीक है, डेजर्ट होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लेन्स के अंदर, अलग अलग रिलीफ के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की फसलें ग्रो करनी पड़ती है। अब डेजर्ट के अंदर कौन सी होगी? ड्राई फार्मिंग होगी, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, प्लेन एरिया है तो वेटलैंड फार्मिंग होगी। माउंटेनियस एरिया है और कॉन्टिन्यूस रेनफॉल होती है, स्लॉप्स है तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होगी। तो हर एक क्रॉप्स के लिए धरातल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि रेनफॉल हमने बात की है इसके अंदर, और इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, ये फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा इरिगेशन। सबसे जरूरी क्या है? इरिगेशन, सिंचाई, जो कि बगैर सिंचाई किसी भी प्रकार की क्रॉप्स या फसल लेना पॉसिबल नहीं है। चाहे उसमें इरिगेशन कहीं किसी क्रॉप्स के अंदर तो थोड़ी जरूरत पड़ती है और किसी के अंदर पूरे साल भर हमें पानी रखना पड़ता है। तो जो सिंचाई है, इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो सिंचाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन यानी के सिंचाई। ये सभी को पता है कि बगैर सिंचाई जो है क्रॉप्स लेना पॉसिबल नहीं है, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में फिर हमारा आता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, खेतों का आकार, खेतों का आकार, लैंड होल्डिंग साइज, लैंड होल्डिंग साइज, खेतों का आकार। अब आप यदि प्लेन एरिया के अंदर देखेंगे तो वहां पर खेतों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे जैसे आप पहाड़ी एरिया के अंदर जाते हैं तो खेतों का आकार छोटा हो जाता है। वहां पर पहाड़ी एरिया के अंदर जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनको बोलते हैं बिस्वा। क्या बोलते हैं? बिस्वा। जैसे हमारे यहाँ पर बिगा होता है ना, वहां पर बिस्वा होता है। बिस्वा एक छोटा सा लैंड पार्ट होता है, इतना हमारे जैसे ये जितना हमारा रूम है इस इतना या इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं तो वहां पर जो है खेतों का आकार छोटा है। और यदि हम दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, तो वहां पर लगभग हजारों के अंदर एक एक एकड़ होता है, एक एक हेक्टेयर होता है। हमारे यहाँ पर हेक्टेयर के अंदर जो जितना जमीन आती है वो उतनी, वहां पर एक उनके हेक्टेयर की बात करें तो हमारे यहाँ पर 1,000, 2,000, 3,000 हेक्टेयर जो जमीन है उसके मुकाबले में मतलब उनका एक हेक्टेयर माना जाता है। तो ये चीजें इसके अंदर था। लैंड होल्डिंग साइज भी क्या है, डिपेंड करता है हमारा फसलों के ऊपर या फैक्टर की बात करें, क्योंकि छोटा आकार होगा तो उसके अंदर हम कैसे इरिगेशन करेंगे, कैसे फसल देंगे, या ये हम बात करें उसके अंदर कैसे मॉडर्न टेक्निक को यूज करेंगे, मतलब मशीनों का यूज नहीं कर पाते ना उसके अंदर। तो छोटे फसलों, छोटे साइज के जो खेत होंगे उसमें ज्यादातर काम हम अपने हाथों से ही करते हैं और ट्रेडिशनल टूल से करते हैं, उससे इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। उसके बाद में फिर आता है हमारा इंश्योरेंस है या इन्वेस्टमेंट की बात करें इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब निवेश, जितना निवेश हम फसल में करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, चाहे वो इरिगेशन के रूप में, खाद के रूप में, लेबर के रूप में, या ज़्यादा जो उत्पादन देने वाले जो बीज है, हाई यील्ड वैरायटीज की बात करें तो ये सब बातें इसके अंदर आती है। और इसके साथ साथ में कुछ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प करती है। उसमें बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लास्ट वाला या पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें, थर्ड इसमें अंदर हमारा पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कई बार आपको पता है कि यदि हमारी क्रॉप फेल हो जाती है, फ्लड आ जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो हमें क्या दे सकती है, वो मुआवजा दे सकती है, जितनी हमारी
क्रॉप्स जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थी उसके प्राइस के हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट है हमें उसको कंपनसेट कर सकती है उस फ्लड के या हमारी फसल जो क्रॉप्स होगी रेनफॉल नहीं हुई या कुछ बीमारी लगी इस प्रकार से जो गवर्नमेंट फैक्टर्स है या पॉलिसीज है वो भी क्या है एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। कई बार क्या है गवर्नमेंट उस एरिया के अंदर भी क्रॉप्स करने को थोड़ा सा इंसेंटिव देती है जहाँ पर लोग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं या जहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं या जहाँ पर रेनफील्ड फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार की क्रॉप्स को भी हम लगा सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा चैप्टर क्रॉपिंग पैटर्न फसल प्रतिरूप। आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अलग अलग जो फसलें हैं उनका एरिया और भारत के अंदर उनका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।